शहर में आयोजित खाटू श्याम जी की भजन संध्या में देर रात तक श्रद्धालुओं ने जमकर आनंद लिया। यहाँ बाबा श्याम को भजनों को रिझाने बाहर से आए कलाकारों ने प्रतापगढ़ शहर के श्याम प्रेमियों का दिल जीत लिया और बाबा के भजनों पर देर रात तक श्रद्धालु झूमते। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ शहर में इस तरह से खाटू श्याम जी की इतनी बड़ा भजन संध्या का आयोजन पहली बार हुआ है। इस भजन संध्या की तैयारियों के लिए कई दिनों से श्याम परिवार के लोग जुटे हुए थे और यहाँ पर बाबा श्याम की भजन संध्या फागुन महोत्सव पर 11 के दिन आयोजित की गई और इस भजन संध्या में शहर भर के लोग शामिल हुए। हम आपको बताना चाहेंगे विगत कई दिनों से श्याम परिवार के लोग इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए तैयारियों में जुटे हुए थे। इसी के तहत यहाँ पर दोपहर में बाबा की निशान यात्रा निकाली गई, वहीं शाम को महाप्रसादी के आयोजन के बाद में यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में देर रात तक दर्शक जुटे हुए, जिसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक रही और यहाँ महिलाओं ने बाबा के भजनों पर खूब देर तक महिलाएं भी थिरकी और युवतियों और पुरुषों और युवाओं ने जमकर आनंद उठाया। वहीं इस खाटू श्याम भजन संध्या के आयोजकों के अनुसार यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने बाबा श्याम के भजनों का आनंद लिया है और भजनों पर लोग झूम उठे और कलाकारों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वहीं पूरे कार्यक्रम के दौरान राधा कृष्ण का नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस नृत्य को देखने पर लोग झूमने को मजबूर हो गए। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से श्याम प्रेमी झूमकर और बाबा को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर गुलाल से सरोवर इस पूरे पंडाल में लोगों का हुजूम देखते ही बन रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों की होली, गुलाल की होली, हर तरह से होली खेलकर और बाबा श्याम को रिझाने का जतन किया जा रहा है। इसी के तहत यहाँ भजन संध्या भी आयोजित की गई थी। श्याम प्रेमी में यहाँ रात भर जुटे रहे और तालियों की गूंज के साथ में पूरा परिसर गुंजायमान रहा। भजन संध्या में बाबा श्याम से जुड़े सभी भजनों का श्रद्धालुओं ने आनंद लिया और यहाँ देर रात तक राधा कृष्ण का ये नृत्य लोगों ने देखा। इस नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं कृष्ण बांसुरी की धुन पर यहाँ पर बताए गए थे, वहीं राधा जी द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। इन दोनों की जोड़ी का दर्शकों ने जमकर इनके भजनों पर साथ साथ में नृत्य किया और लोगों ने बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए इस भजन संध्या में लुप्त उठाया। यहाँ पर तीन बाणधारी की जय, बाबा खाटू श्याम की जय के नारों से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। वहीं बाबा की भक्ति में देर रात तक लोग डूबे रहे। ये भजन संध्या पूर्व में प्रतापगढ़ शहर में इस तरह से बाबा श्याम की खाटू श्याम की भजन संध्या पहली बार आयोजित हुई है। इस भजन संध्या से पूर्व भी लोगों ने यहाँ पर निशान यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे कार्यक्रम के दौरान आकर्षण का केंद्र ये नृत्य रहा। वहीं पूरी भजन संध्या में लोगों ने जमकर आनंद उठाया। यहाँ पर भक्तों ने बाबा के साथ गुलाल की होली खेली, फूलों की होली खेली और लोगों ने आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाकर और इन भजनों का आनंद उठाया। वहीं पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों का उत्साह देखने को मिला। इसी दौरान यहाँ भंडारे में भी लोगों ने जमकर आनंद लिया और उसके पश्चात भजन संध्या का आयोजन किया गया। इससे पूर्व भजन संध्या से पूर्व यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में शहर भर के लोगों ने शामिल होकर और प्रसादी का लाभ उठाया। वहीं बाबा के भक्तों ने यहाँ पर सेवाएं जारी रखी। इसी के तहत श्याम परिवार के लोगों सहित शहर के अन्य लोगों ने भी यहाँ पर सेवाएं दी और उन्होंने बाबा श्याम के लिए आयोजित इस पूरे कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाएं बनाए रखने में जिस तरह से सहयोग किया है उसकी भी जहाँ तक प्रशंसा की जाए कम है। पूरे कार्यक्रम के दौरान काफ़ी लोगों ने सहयोग किया। यहाँ पर एक भव्य बाबा खाटू श्याम का मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी तैयारियाँ जोरों पर चल रही है और इस आयोजन के साथ ही यहाँ पर हमको बताना चाहिए कि बाबा के इस मंदिर को व्यापक रूप से भव्य बनाने के लिए शहर भर के श्याम प्रेमी जुटे हुए हैं और यहाँ पर सहयोग के माध्यम से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और बाबा खाटू श्याम का यह प्रतापगढ़ शहर में पहला मंदिर होगा जहाँ पर बाबा के दर्शन उपलब्ध